हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारी कास्ट कल्चर के लोग, सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लव लाइफ में, करियर में, कन्फ्यूज हो, स्टक हो किसी सिचुएशन में, किस तरीके से बाहर आए पता नहीं, तो आप लोग क्लैरिटी ले सकते हो, क्योंकि आपके टाइम और इमोशन की बहुत इम्पोर्टेंस रहते हैं, तो ज़रूर आप क्लैरिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट आप एक बार रीडिंग लेके देख सकते हो कि आपको कितनी हद तक क्लैरिटी मिलता है। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन का। वाह, आज के दिन में माँ काली की एनर्जी, पहला ही कार्ड माँ काली है, तो माँ काली के ब्लेसिंग्स है आप सबके ऊपर। उनकी एनर्जी है स्ट्रेंथ की एनर्जी विथ हैंड मनी। यहाँ पर टॉरस और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकता है, अबंडेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकता है, बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, और आप लोग इमोशनल रह सकते हो और खुद को पावर दोगे, स्ट्रेंथ गैदर करोगे। ओके, साथ ही साथ ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करने वाले हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और थर्ड पार्टी से बाहर आने की एनर्जी है। चलिए इस टेक से कुछ कर लेते हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत दिनों से हैंग थे तो वहां से बाहर आएंगे। प्लीज एंसर गाइड मी, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। कोई विशेष फुलफिल हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कोई गुड न्यूज आपको रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे आने वाले टाइम में, आइसोलेशन में रह सकते हैं, कोई एडवेंचरस काम कर सकते हैं, कोई रिक्स ले सकते हैं, किसी डेबिलिश एनर्जी में स्टक है। कारेज की कार्ड है, यहाँ से कारेज, यहाँ से स्ट्रेंथ, दोनों कार्ड सेम है। विथ फ्रेंडलीनेस रियूनियन होने के चांसेस है, अगर आपके साथ फाइट हुआ था तो वो वापस आएंगे, अगर कांटेक्ट में हो तो फाइट होने की चांसेस है, ठीक है। अगर बातचीत हो रहा है तो खुद को कंट्रोल करो, नहीं तो यहाँ पर फाइट होगा आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। चले कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। चेंजर क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, इस टेक से क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, तीनों डेक से स्ट्रेंथ की कार्ड है गाइस, विद किंग ऑफ सोर्स, यहाँ से भी किंग ऑफ सोर्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है, तो रूट कम्युनिकेशन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की। ओके, जो भी कर्मा है आप दोनों के रिश्ते में, वहाँ पर रूट कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पर्सन की, जो बोली होगा, जो बिहेवियर होगा उनके तरफ वो सही नहीं होगा, और स्ट्रेंथ गैदर करे आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड, तीनों डेक से स्ट्रेंथ का कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन को बहुत बड़ा ट्रिगर मिल चुका है, या तो फिर मिलेगा, या तो उनका हेल्थ इशूज हो सकता है उनको, या फिर उनके फैमिली में से किसी को, ठीक है, जिसके लिए उनको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कारेज चाहिए।
और यहाँ पर इस कार्ड में जितने भी कार्ड्स आए हैं एम्प्रेस को क्लरिफिकेशन में, मुझे यही दिख रहे हैं जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपके पर्सन को पावर चाहिए और वो बहुत क्विक डिसीजन लेंगे उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, फूल की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। केयर फ्री होकर आपके तरफ आना चाहते हैं। बाप रे, फूल को क्लैरिफिकेशन में तीनों पावरफुल पॉजिटिव कार्ड आए हैं विद हायरोफेंट। आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, सक्सेस चाहते हैं, शादी चाहते हैं, मूवमेंट की एनर्जी है। चैरियट, विक्ट्री एंड सिक्स ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं आने वाले 24 आवर्स में, और आपके पर्सन चाहेंगे इस रिश्ते को स्टेबिलिटी प्रोवाइड देने के लिए, शादी की कमिटमेंट देने के लिए। अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप अपने पर्सन से तो वापस आ सकते हैं मैरिड लाइफ में, ठीक है, और वापस आने का बहुत बड़ा डिसीजन होगा। चारों ही कार्ड्स आप देखिए बहुत ही पावरफुल कार्ड है, देख के चारों ही पॉजिटिव कार्ड है, और आने वाले 6 आवर्स के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है आपको। क्लैरिफिकेशन किसको किया है, फूल को, तो न्यू बिगिनिंग जरूर होगा और यहाँ पर एक साइकिल एंड होगा। जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जी था आपके पर्सन के लाइफ में, अगर पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत की वजह से आपके पर्सन आपके तरफ आ नहीं पा रहे थे, टेम्परेंस का कार्ड है इसके नीचे, बैलेंस नहीं हो रहा था सिचुएशन, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सिचुएशन यहाँ पर एक साइकिल एंड होगा। और किसी का हेल्थ इशूज हो सकता है, आपका या फिर आपके पर्सन के, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, यहाँ पर हेल्थ इशूज होने की चांसेस है बहुत ज़्यादा। दी मून की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और मैरिज की एनर्जी स्ट्रांग है। देखिए यहाँ से 4 ऑफ वैंड्स के साथ 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, आपके पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, घर गृहस्थी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, और मून को मून ने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए आप कार्ड को, इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है मून ने, मून को मून ने क्लैरिफाई कर दिया है। आपके पर्सन इमोशनल है कि वो आपके साथ शादी चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन के चलते वो हो नहीं पा रहा है, उनको रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, अपसेट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले 24 आवर्स में, ओके। और वो इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, जेस्चर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनका इच्छा है, उनकी विशेस से आपको कमिटमेंट देना, आपको शादी की ऑफर देना, आपके साथ शादी करना, ओके। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए इस डेक से स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पर बॉटम से हैंग्ड मैन आया था, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ को क्लैरिफिकेशन में हैंग्ड मैन आया है, तो एनर्जी बहुत ही पावरफुल है आज के दिन में। विथ ब्रेकअप सिचुएशन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा हैंग्ड रह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए गुमसुम रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, ठीक है, उसके बाद ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से बाहर आने के बारे में सोचेंगे आपके पर्सन। एग्जिस्टेंस क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। फिर से देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स आ गए हैं, जस्टिस चाहते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है, किसी डेविलिश एनर्जी को काट ऑफ करना चाहते हैं, आपको इक्वलिटी देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको स्पाई करते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आएगा उसको काट ऑफ करेंगे। देखिए सारे ही सोर्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, ओके, और किसके साथ आया है, डेविल के साथ। और ये भी देखिए लिब्रा का, सॉरी जस्टिस का जो कार्ड है, जस्टिस में यहाँ पर सोर्स लेके बैठे हैं, ठीक है, तो ये जो चारों कार्ड्स हैं इनमें सारे ही सोर्स है, तो जो भी डेविलिश एनर्जी है आपके रिश्ते में, जो भी कार्मिक एनर्जी है, जो भी आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, वो सारे सिचुएशन काट ऑफ होगा, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। अगर पास्ट में आपके पर्सन झूठ बोलते थे आपसे, भागते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, ओके, आपको कुछ छुपाते थे, चीट करते थे, तो यहाँ पर वो एनर्जी एंड होगा।
कैसा एडवेंचर, एडवेंचर क्यों आया है, कुछ चीज़ों का एंड करने का डिसीजन आपके पर्सन लेंगे। यस, जहाँ पर वो खुश नहीं है, जो भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कोई उनको आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा था, आप मतलब आपसे उनको दूर करने के बारे में सोच रहे थे और आपको उनसे दूर करने के लिए कुछ काम कर रहे थे, दिमाग से खेल रहे थे, दिमाग से काम ले रहे थे, तो यहाँ पर वो साइकिल एंड होगा, उनके साथ फाइट होगा, आपके पर्सन हार्ट अटैक एंड लॉसेस से गुजरेंगे और ये सारी सिचुएशन एंड होगा, यही एडवेंचर आपके पर्सन लेंगे, ठीक है। तो रिक्स लेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने के लिए। यहाँ पर फिर डेविल का एनर्जी है, कंडीशनिंग क्यों आया है, प्लीज सेंटर गाइड करें, कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आया है। देखिए, जो भी डेविलिश एनर्जी है वहाँ पर टावर मोमेंट आएगा, जो भी उनको कंट्रोल कर रहे थे वो सिचुएशन एंड होगा, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और केयर फ्री होकर आपके तरफ आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन। फ्रेंडलीनेस क्यों आया है, कब तक रियूनियन हो जाएगा, फ्रेंडलीनेस क्यों आया है, कब तक रियूनियन हो जाएगा, आपके तरफ लॉयल है, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को एंड करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो फिर रिसेंटली बहुत बड़ा उनको टिगर मिला है और आपके पर्सन उन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, बाहर आने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुखी है, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन के चलते नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। और जिस सिचुएशन में वो स्टक थे वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे या तो फिर वो सिचुएशन एंड हो जाएगा, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे, देखिए इस दो कार्ड, अब देखिए दोनों कार्ड में अपसेट है, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और ये एंडिंग का कार्ड है, ओके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से एक्शन लेना चाहते हैं, कैसा एक्शन होगा, न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो इस तरीके का वाइब्रेशन है, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा और सारे ही मूवमेंट का कार्ड यहाँ से आ चुके हैं विथ क्लैरिफिकेशन में न्यू बिगिनिंग को, तो न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा आपके रिश्ते में। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं, बातचीत हो सकता है, ओके। आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पकड़ सकता है, जो भी सिचुएशन में स्टक था यहाँ पर आपका रिलेशनशिप वहाँ से आगे बढ़ सकता है, इस तरीके का वाइब्रेशन है। और एक डेक मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर और देखूँगी और क्या एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज इनको गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन का, किसी तरीके का गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है गाइस। प्रिंसेंसल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। गिव मी कार्ड्स, एक एक करके कार्ड्स दो एंजल। आपके पर्सन की हेल्थ इशूज हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला है हेल्थ इशूज हो सकता है आपके पर्सन को, आपको ही मेन फीमेल मानते हैं उनके लाइफ का, आपको ही मेन मानते हैं, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, यहाँ पर आपको ही मेन पर्सन मानते हैं, आपको तवज्जो देते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करते हैं आपके पर्सन और आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रह सकते हैं, आपको लेके डेयर ड्रीम कर सकते हैं, कैसे आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। लवर्स, रियूनियन होने की चांसेस है गाइस विथ फैमिली रूम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके पर्सन, विथ हाउस एंड मैच्योर मैन, हो सकता है हाउस में वो उनके पापा के साथ दादा के साथ टाइम स्पेंड करे और आपके साथ रियूनियन की वाइब्रेशन है। आपको अब अगर कपल में बर्ड्स दिख रहे हैं, डाब दिख रहे हैं, अगर व्हाइट डाब दिख रहे हैं, स्पेशली ड्रीम में अगर
व्हाइट डॉट दिख रहे हैं तो आपके लव लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। यस देखिए यहाँ से भी है। अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो वो आपके साथ यहाँ पर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, परमानेंट वाला रियूनियन चाहते हैं। अगर पैसों का दिक्कत है तो वो ड्रीम कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग का रियूनियन होगा, आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करोगे। आने वाले 15 आवर्स के अंदर बातचीत हो सकता है, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। ओके और आपके पर्सन घर में ही हैं, घर में ही रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। फैमिली रूम हाउस की एनर्जी है तो घर से रिलेटेड एनर्जी है, तो घर में और घर के मेंबर के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनका हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो फिर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और साथ ही साथ डे ड्रीमिंग करेंगे। आपको ही मेन पर्सन मानते हैं और किसी मैच्योर पर्सन का कोई गाइडेंस ले सकते हैं या तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोर्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ उनको आ सकता है या तो फिर आपको आ सकता है, कोर्ट से रिलेटेड कोई बात, कोई बातचीत हो सकता है। तो गाइस ये था आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एनर्जी आपके पर्सन की, काफ़ी हद तक आपको भी रेजोनेट कर सकता है। तो आप भी थोड़ा अलर्ट रहे, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है आपके लाइफ में तो थोड़ा आप अलर्ट रहे ताकि आपको वहाँ से कोई नोटिस ना आ जाए। अदर वाइज बाकी सारे सब कुछ सही है, आपके लिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करें। चलिए देखते हैं यहाँ से गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी गाइडेंस को फॉलो करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है कौन सी गाइडेंस को फॉलो करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। ओके टू कार्ड्स आया है, 5 सेकेंड और एक कार्ड गिर गए हैं। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट एनिमल की तरफ से मैसेज है, ईगल की तरफ से मैसेज है। हर रोज आप लोग धीरे धीरे करके अवेकनिंग से गुजर रहे हो, आपको नॉलेज विजडम रिसीव हो रहा है, ठीक है। हर रोज थोड़े थोड़े करके आप लोग अवेकन हो रहे हो, जागृत हो रहे हो, आपके अंदर नॉलेज विजडम बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि आप लोगों का जो हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, मतलब आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी पॉजिटिव ऑरा आप क्रिएट कर रहे हो उनके साथ आपका जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हायर सेल्फ में इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब फिलहाल आप जिस स्टेज पे हो आपका स्टेज अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, मतलब आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो, आपका नॉलेज विजडम बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कारेज बढ़ रहा है और आप धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो, पावरफुल बन रहे हो और इस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो, ऐसा यहाँ पर एंजल गाइड कर रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ बेहतरीन होने के लिए हो रहा है। सारी चीज़ों में, सारी एरिया ऑफ फील्ड में आपको धीरे धीरे करके नॉलेज मिल रहा है और क्लियरिटी मिल रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों होना चाहिए था, किस लिए होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिल रहा है धीरे धीरे करके, क्लियरिटी मिल रहा है, जितना आगे आप बढ़ रहे हो उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल रहा है और मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ आपके सामने आने वाला है, कुछ क्लियरिटी आपके सामने आने वाला है, किसी चीज़ों का सच्चाई आपके सामने आने वाला है गाइस। कुछ लोगों को वाइब्रेंट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और आप जो भी काम करते हो सकता है कि
कलर से रिलेटेड कोई काम करते हो, कुछ लोग यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करते हो, या फिर कलर को लेके कोई काम है आपका, तो आप उनको एंजॉय करते हो और खेल खेल में काम करते हो। होता है ना, जो हम लोग का जो पैशन होता है उस काम को करने में हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करके हम काम करते हैं। मान लो जो लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग का जिनका शौक है, वो लोग मज़ा करते करते कुकिंग कर लेते हैं, या फिर जो लोग ड्राइंग करते हैं, कलर के साथ खेलते हैं, तो वो उनको मज़ा आता है कि ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में। ठीक है, जैसे हमारे काम ये है, तो हमें भी अच्छा ही लगता है जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं, हमें पॉजिटिविटी मिलता है, और खेल खेल में हम काम करते हैं। तो इस तरीके से एंजल आपको गाइड कर रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो, करते हो, उनको पैशन के साथ करो, जो भी आपको अच्छा लगता है करने में, मज़ा आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आई एंजॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल। तो क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ लोग काम कर सकते हो, या फिर करते हो शायद क्रिस्टल से रिलेटेड। तो यहाँ पर वही मैसेज है। तो यहाँ पर स्पेशली जेम स्टोन एंड क्रिस्टल की बात किया जा रहा है। तो जिनको भी लगता है क्रिस्टल और जेम स्टोन आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस्ड रख सकता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो किसी गाइडर की मदद से। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है जेमस्टोन के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, तो आपको जो लोग जानते हैं उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और इसको इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आप बैलेंस रह पाओ, आपकी एनर्जी बैलेंस रह पाए। और जो भी लोग सक्सेसफुल है, जिनको भी आप फॉलो करते हो, देखते हो, तो उनकी हैबिट्स या फिर गुड हैबिट को फॉलो करें, ताकि आप सक्सेसफुल बन पाए। और सक्सेसफुल लोगों की जो भी हैबिट्स है, जिनको भी आप आइडियल मानते हो, जिनको भी आपका पसंद है, आप पसंद करते हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ताकि सक्सेस की रास्ते में आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। मतलब आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, ताकि आपको सक्सेस मिले। और खुद के लिए आवाज़ उठाओ, जो भी चीज़ आपको गलत लगता है, अगर आपके साथ गलत चीज़ें हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, तो वहाँ पर आप आवाज़ उठाओ और बोलिए कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, और खुद को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मानिए, गॉर्जियस मानिए, फैबुलियस मानिए। अगर आप ऐसा नहीं है, तो खुद को ऐसा सोचना स्टार्ट करिए और काम करना स्टार्ट करिए, देखेंगे आपके अंदर ये सारी गुण भी आ जाएंगे कि आप ब्रिलियंट है, आप गॉर्जियस है, आप फैबुलियस है। हम सबके अंदर रहते हैं, सिर्फ इसको जागृत करना पड़ता है। और अगर आप ऐसी सोचोगे, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, खुद सोचने लगोगे कि आप ब्रिलियंट हो, आप गॉर्जियस हो, फैबुलियस हो, तो आप ऐसे बन जाओगे। तो जैसे सोचोगे वैसा ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को साइन करनी चाहिए, आप लोगों को लाइट एंड ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, हंसना खेलना, मजाक मस्ती करना, हैप्पीली रहना, पॉजिटिवली रहना चाहिए, और नॉलेज गेन करनी चाहिए। ये सारी एडवाइस आप सबके लिए हैं, जिसको भी जितना रेजोनेट करे उतना रखे, बाकी को जाने दे गाइस। तो और इस एडवाइस और गाइडेंस अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर फॉलो करें और अपनी लाइफ में लेके आए, रूटीन में लेके आए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। तो गाइस, ये था आज के दिन में नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग। अगर अच्छा लगा है ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे न्यू है और मेरी रीडिंग अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाए। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प किया करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।